मैं कीर्ति परोहा कक्षा 12वीं की जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है आप सब बहुत अच्छे से मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपको 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, जिसके राइटर है H.W. Smith, के एक्सप्लेनेशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस, हमें आंतरिक शांति का अनुभव कब होता है? आंसर देखें, वी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन वी ओवे नेचुरल लॉज, जब हम प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं तब हमें आत्मिक या आंतरिक शांति का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, हाउ कैन बी फ्री अप टाइम, हम समय को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं, कैसे फ्री कर सकते हैं? आंसर, वी कैन फ्री अप टाइम बाय डेली प्लानिंग, हम समय को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं? रोज की अपनी व्यवस्था के तहत, अर्थात दैनिक दिनचर्या को प्लान करके हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर कंफर्ट जोन्स, कंफर्ट जोन्स आर सिचुएशंस इन विच वन फील्स कंफर्टेबल, कंफर्ट जोन आराम के क्षण क्या है, आराम का क्षेत्र क्या है? तो आराम का क्षेत्र क्या होता है, ऐसी परिस्थिति जब हम अपने आप को आरामदेह महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आता है, व्हाट आर नेचुरल लॉज, हाउ दे अफेक्ट्स अवर लाइफ, यहाँ ओडी जो है इसको बच्चों आप अलग कर लेना। नेचुरल लॉज आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ, इफ वी ओवे देम वी गेन बेटर कंट्रोल ऑफ अवर लाइफ, हैव इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स, इंक्रीज अवर ओन प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस इनर पीस। प्राकृतिक नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है और ये क्या है? तो प्राकृतिक नियम जो है वो प्रकृति और जिंदगी के आधारभूत पैटर्न है, अगर हम इन्हें मानते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हम अपनी उत्पादकता जो हमें कार्य क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड इवेंट कंट्रोल, समय प्रबंधन और घटनाओं पर नियंत्रण के बीच में आप समझाइए। तो आंसर देखें, टाइम मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग वंस लाइफ, टाइम मैनेजमेंट का क्या परिणाम होता है कि हम लाइफ को या जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। एंड इवेंट कंट्रोल मेक्स टाइम मैनेजमेंट पॉसिबल, और जीवन को कंट्रोल करने के लिए हमको और समय को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इवेंट कंट्रोल। तो इवेंट कंट्रोल जो घटनाओं का जो नियंत्रण है वो टाइम मैनेजमेंट को संभव बना देता है, देयरफोर इसलिए इवेंट कंट्रोल इज द बेसिक थिंग, इसलिए जो घटनाओं का नियंत्रण है वो सबसे बेसिक आधारभूत प्रिंसिपल है। व्हाई शुड वी लीव अवर कंफर्ट जोन्स एंड हाउ, हम अपने आराम के क्षेत्र को कैसे छोड़ सकते हैं और क्यों छोड़ना चाहिए? वी शुड लीव अवर कंफर्ट जोन्स इफ वी वांट टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल इन अवर लाइफ, हमको अपने आरामदायक क्षेत्रों का दायरा इसलिए छोड़ना आवश्यक है यदि हम अपने जीवन में कोई विशेष लक्ष्य को निर्धारित करके प्राप्त करना चाहते हैं। वी कैन लीव देम बाय एफर्ट एंड कमिटमेंट, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, एफर्ट यानी प्रयास करके और कमिटमेंट मतलब अपने आप से दृढ़ निश्चय करके हम इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, हाउ कैन वी हैव मोर बाय गिविंग मोर, हम दूसरों को ज्यादा देके खुद के लिए कैसे ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं? आंसर, व्हेन वी शेयर अवर एक्सेस थिंग विद अदर पीपल दे टू विल शेयर देयर एक्सेस थिंग विद अस, हेंस वी विल हैव मोर देन वॉट वी हैड अर्लियर। अब यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि यदि हम अपनी आवश्यकता से अधिक चीजों को दूसरों को दे दें तो दूसरे भी क्या होंगे, अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को किसको देंगे, किससे शेयर करेंगे, हम लोगों से शेयर करेंगे, इसलिए
हम लोग ज्यादा देने के बाद भी ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे पास पहले था उससे भी ज्यादा हम प्राप्त कर सकते हैं। Who is the best judge of self-worth? हमारे आत्मसम्मान का जो निर्णायक है, हमारी जो कहना चाहिए आत्म महत्व है, उसका निर्णायक कौन है? We are the best judge of your self-worth. हम खुद ही अपने आत्म सम्मान या आत्म महत्व के निर्णायक साबित होते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसके अंतर वर्कबुक के भी पैटर्न जो है वो सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें और याद करें। थैंक यू बच्चों।